आज कटिहार के प्रभारी मंत्री सह 20 सूत्री मंत्री नीरज कुमार सिंह का कटिहार आगमन हुआ। कटिहार पहुंचकर प्रभारी मंत्री ने जिले के आला अधिकारियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ जिला समाहरणालय कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक के बाद जानकारी देते हुए 20 सूत्री मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार जिले के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आप खुद सुनिए प्रभारी मंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, आज विशेष तौर पर बैठकें हुई। 20 सूत्री की ये पहली बैठक है, नई कमेटी का गठन हुआ है। दो दो हमारे उपाध्यक्ष हैं, लगभग 25 सदस्य हैं। सभी लोग लगभग उपस्थित हुए थे। सभी जिला के विकास के लिए हम समझते हैं कि संकल्पित है और तमाम जिला के विधायक सांसद सब लोग आए थे। काफ़ी बृहद चर्चा हुई, 5 घंटे तक बैठकें चली और ख़ास करके बाढ़ को लेकर के, सड़क को लेकर के, स्कूल को लेकर के, अस्पताल को लेकर के और किसानों के समस्याओं को लेकर के सबों ने सवाल उठाए थे। हम लोगों ने उसे समाधान करने का कोशिश किया और मुझे लगता है कि किसानों को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा बैठक का, क्योंकि किसान को क्या क्या लाभ मिल रहा है उस पर विशेष चर्चाएँ हुई। डीजल अनुदान पर चर्चाएँ हुई, जो कृषि फीडर के लिए कनेक्शन की आवश्यकता जहाँ कठिनाई हो रही थी उस पर चर्चाएँ हुई, बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़े, सड़क सुदृढ़ीकरण कैसे हो और ख़ास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, इन तमाम चीज़ों पर विशेष चर्चाएँ हुई और मुझे लगता है कि इसका जिला को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इसी मौके पर मौजूद कदवा से कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने भी अपनी बात रखी। इस सूत्री की बैठक वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, हालांकि जितने जल्दी इसका होना चाहिए था 6 महीना डिले से, लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस की वजह से मान सकते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न था हम लोगों का वो ये कि जो पहली 20 सूत्री की बैठक हुई थी उसका एक्शन क्या लिया गया, क्योंकि बहस का की शुरुआत उससे होनी चाहिए थी कि आप सब लोग 20 सूत्री के जो मेम्बरान हैं, जो बहस पिछले बार यहाँ के प्रभारी मंत्री के साथ हुई थी, उस बहस का नतीजा में यह प्रतिवेदन है। उस पर बहस नहीं हुई, पर हमने और लाखों भाई ने भी सवाल को उठाया, कई लोगों ने भी उठाया, सारे सब्जेक्ट पर बहस हुई, स्वास्थ्य विभाग हो, जनकल्याण विभाग हो या और जितने डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट, बिजली विभाग हो, और सब पे हम तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी। काम का प्रोसेस स्लो, जो संवेदक कह लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कह लीजिए, ये सब प्रोसेस स्लो है। और हमारा इलाका बाढ़ का इलाका है, तो यहाँ बाढ़ के समय में 3 महीने तो काम नहीं हो पाता है, जो 8-9 महीने होते हैं असल काम का समय वही होता है, बाढ़ का जो इलाका होता है, पूरे कटिहार की हालत ऐसी होती है। तो इसीलिए काम के समय में ही काम को पूरा करना आवश्यक है, वो हम लोगों ने उठाया। उसके बाद जो कमियाँ नज़र आई वो भी हम लोगों ने उठाया। एक अच्छी बात रही कि मंत्री जी ने सबको इंटरवीन करने का मौका दिया और कि नहीं आप इंटरवीन कीजिए, कुछ निर्देश भी उन्होंने दिए। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री कटिहार RBHM जूट मिल का निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के उपरांत प्रभारी मंत्री ने कहा कि यहां अब जूट मिल तो दोबारा शुरू नहीं हो सकती, लेकिन इस जूट मिल की 55 एकड़ जमीन पर दूसरा बड़ा उद्योग अवश्य शुरू किया जा सकता है। प्रभारी मंत्री ने दावा किया है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, इसको लेकर हम हमारी दोनों सरकारों से बात करके यहाँ कोई ना कोई दूसरा बड़ा उद्योग लगाने का प्रयास अवश्य करेंगे। वर्षों से हम लोग कटिहार जूट मिल के बारे में सुनते आ रहे थे, कई बार विधानसभा में भी कटिहार जूट मिल का चर्चा हुआ। हमारा गृह जिला पूर्णिया है, वहाँ भी हम लोग के गांव में जूट का काफ़ी खेती होता था, तो हम लोग कटिहार जूट मिल उसी समय से सुनते थे। लेकिन ये जूट मिल का ख़त्म हो जाना एक तरह से ये पूरे इलाके के लिए काफ़ी दुखद बात है और लास्ट में इसका ऑक्शन भी हो गया, तो काफ़ी दुखद है, चिंता नहीं। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि भारत सरकार में इसकी बात जाए, माननीय केंद्रीय मंत्री से हम संपर्क करेंगे, जो जमीन यहाँ लगभग 55 एकड़ जमीन बचा हुआ है वो 55 एकड़ जमीन सही सलामत रहे और यहाँ कोई बड़ा उद्योग लगे, इसका प्रयास हम लोग अवश्य करेंगे और मुझे लगता है कि इसमें सफलता मिलनी चाहिए। हम सब मिलकर के कटिहार के जितने हमारे पॉलिटिशियन हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। सबों के सहयोग से हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर पुनर्स्थापित हो मिल का, जूट मिल सही ना, जूट मिल को कोई बड़ा उद्योग लगे जिससे यहाँ के हजारों किसानों को फायदा पहुँचे। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने झुलनिया मोड़ पर लगाई जा रही महाराणा प्रताप की विशाल काय प्रतिमा का भी अवलोकन किया। Yeah.
जनपद।